हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोको प्रिंट ऐप अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज की डेट में मैं आपको बता दूं, नोको प्रिंट अपडेट आ गया दोस्तों। आज ही नोको प्रिंट ऐप का न्यू अपडेट आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर में जैसे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर नोको प्रिंट ऐप आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये अपडेट का ऑप्शन आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, पहले ऐसे कर देते हैं अपडेट, फिर देखते हैं इसमें क्या न्यू अपडेट आया है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसे अपडेट, ठीक है। जब तक ये अपडेट हो रहा है दोस्तों, मैं इसके न्यू फंक्शन आपको बता दूंगा। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल वाला आइकन दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं नोको प्रिंट ऐप अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों, नोको प्रिंट ऐप अपडेट होने के बाद इंस्टॉलिंग चल रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या न्यू अपडेट आया है। अभी फिलहाल ये अपडेट चल रहा है, इंस्टॉलिंग चल रहा है। तो दोस्तों, ये अपडेट होके इंस्टॉल होके अब ये हो गया है ओपन के लिए तैयार। तो मैं इसे कर देता हूँ ओपन। अब देखिए यहाँ ये प्रोसेसिंग चल रहा है। अब देखिए, अगर आपको इसमें ऐड देखना है तो ऐड विद कंटिन्यू विद ऐड, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐड देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप ऐड नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से नेट ऑफ़ कर सकते हैं। नेट ऑफ़ करके आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट नेट के भी एप्लीकेशन वर्क करता है दोस्तों। अगर आप विदाउट नेट के अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपको ऐड देखने की जरूरत नहीं होगी, ऐड आपको नहीं दिखेगा और आप कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके न्यू अपडेट के बारे में जानने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसा कर देता हूँ पहले बैक, ठीक है, नॉट नाउ। अब मैं इसमें अपना प्रिंटर कनेक्ट कर देता हूँ, तभी इसके ऑप्शन जो होते हैं वो ओपन होंगे दोस्तों। मैं यहाँ अपना प्रिंटर कर देता हूँ कनेक्ट, जैसे मैं OTG और डाटा को कनेक्ट करता हूँ मोबाइल से प्रिंटर को। देखिए यहाँ पर आपको नोको प्रिंट ऐप को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने नोको प्रिंट ऐप को ओपन कर लिया है, थोड़ा सा प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये अपडेट होने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर आपके प्रिंटर का अगर सीरियल या फिर आपका प्रिंटर नेम नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पर एक वर्क करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिफ्रेश वाला, इसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से ऊपर से, ठीक है। ये वाला जो आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से करेंगे आप रिफ्रेश इस तरह से, जैसे कि रिफ्रेश होने के बाद में आपका यहाँ पर जो प्रिंटर है वो आ जाएगा। तो जैसे मेरा प्रिंटर पहले से ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा सा प्रोसेस देखने को फिर मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं प्रिंटर सेटअप, प्रिंटर हैज़ बीन इंस्टॉलेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेसफुल प्रिंटर हो चुका है, यानी कनेक्ट हो चुका है, यानी प्रिंटर निकालने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों। तो इसे मैं कर देता हूँ ओके। अब फिर से मेरे को ऐड देखने को मिलेगा। क्यों ऐड देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा नेट देखिए ऑन है, आप देख सकते हैं डाटा, मोबाइल डाटा यहाँ से ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूँगा तो मेरे को ऐड देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और ऊपर से मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर फिर से 5 सेकंड के लिए आपको ऐड देखने को मिलेगा, फिर से आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अब कोई एक PDF फाइल ले लेता हूँ गैलरी से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ले लिया है, आप देख सकते हैं ये मैंने एक सर्टिफिकेट ले लिया हूँ। और अब देखते हैं इसमें न्यू अपडेट क्या है, ठीक है। अब देखें इसमें न्यू अपडेट क्या आया है। तो दोस्तों, इसमें न्यू अपडेट है। तो देखिए, अभी आप यहाँ देख रहे हैं, आपको ये कलर में दिख रहा है, ये लोगो वगैरह आपको सब कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। और इसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ देखेंगे ये मेरा सर्टिफिकेट है, यहाँ आपको देखिए ये सारे आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, ये कलर दिखाई दे रहा है और ये वाला कलर दिखाई दे रहा है। अब इसमें न्यू अपडेट ये है कि अगर आपसे कोई अगर आप कोई प्रिंट निकाल रहे हैं, सपोज करिए आपको इस प्रिंट का, ये वाला आप जो प्रिंट देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, अगर आपको इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना है तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कलर है। और गलती से अगर मेरे से यही प्रिंट हो गया, अगर मैंने यहाँ से इसे प्रिंट कर दिया गलती से, तो दोस्तों ये कलर प्रिंट होके ही आएगा, कलर प्रिंट होके निकलेगा। अगर आपको निकालना है ब्लैक एंड वाइट और आपने गलती से यही निकाल दिया तो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये अगर आपको ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पेपर एंड लेआउट ऑप्शंस, इस पर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आउटपुट कलर, ठीक है, इस पर कर देते हैं हम क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोनोक्रोम जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर कर देंगे फिर से क्लिक। अब आपको ये ओके वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ कर देंगे ओके। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो लोगो वगैरह जो दिख रहे हैं, मोहर और लोगो सील, सब आपको कैसे दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, अभी आपको कैसे दिख रहा था कलर, ये सारा कलर दिख रहा था, अब कैसे दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट। यानी कि अब इससे हमें ये बेनिफिट है कि अगर हमें कलर निकालना है प्रिंट
तो सिर्फ कलर दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले यही था कि आप ब्लैक एंड वाइट निकालो ऑप्शन, ब्लैक एंड वाइट वाला या कलर वाला ऑप्शन चूज़ करो, उसके बाद में भी आपको वो कलर ही प्रिंट दिखाई देता था। लेकिन अब क्या है, अगर आपने मोनोक्रोम यानी कि मोनोक्रोम या कलर आप जैसा सेलेक्ट करेंगे वैसा ही आपको स्क्रीन पर प्रिंट दिखाई देगा। ठीक है, तो यही दोस्तों इसमें अपडेट होके आया है। तो दोस्तों ये अपडेट बहुत अच्छा है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से आप नोको प्रिंट ऐप को यूज कर सकते हैं और अपना अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दोस्तों। थैंक यू सो मच।